अभी हम आए हो की तरफ घूमने, धूप काफी तेज है। सब बंदे हो गए ना, परेशानी का उधर भी लगा हुआ था, कुछ था पहले यहाँ एम्यूजमेंट पार्क टाइप कुछ बना। यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी तेरा वो सब ट्रेजर आइलैंड नाम से ट्रेजर है कि वैसे ये गोल्फ वगैरह के लिए? नहीं नहीं, वो बच्चों के लिए है देख। अच्छा, गोल्फ खेल सकते हैं हम इधर। हाँ, गोल्फ ये सब इधर भी, इसमें सारे राइड्स है। उधर बीच में एक पॉन्ड टाइप का बना के रखा है छोटा सा पानी का, और उसमें भी एक राइड्स लगाए हैं। हाँ, लगे हुए हैं। बच्चों के लिए सही है, अच्छा प्लेइंग एरिया बनाया है उन्होंने। ये सुबह के टाइम में आएगा पूरे बच्चों से भरा हुआ, उनके पेरेंट्स चहल पहल, इतने लोग, बहुत सही। इस सिटी में तो ऐसा और नहीं दिखेगा। मोस्टली सारा गोल्फ के लिए है। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, छोटे बच्चे गोल्फ खेलें। हाँ, इधर तो ये तो नॉर्मल किड्स पार्क है, छोटे बच्चे। ये वो कूदने वाला ट्रैम्पोलिन, वो देखिए जो शिप बनाया है, शिप में ये लगाया है। एक बच्चा रह गया अंदर, गलती से रह गया अंदर। गलती से रह गया अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्या? नहीं लगता तो नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चिप है वो वाला। शिप राइड्स ही होते होंगे इधर, कहीं लेके जाते होंगे। होते तो होंगे, वो देख क्या ये अच्छा तैरने के लिए ये वाला एरिया है। वो यॉट क्या लाइन लगा रहे थे, ये वो जगह है जहाँ पे बोट्स आके अंदर उतरती थी, छोटी बोट्स। और जो सामने आपको आइलैंड दिख रहा है वो है माउंट बैटन आइलैंड। आगे चलें थोड़ा, शिफ्ट तो नहीं है ना आज, शिफ्ट तो नहीं है ना आज। हाँ, अरे यहाँ पे वो नहीं है ना, जगह नहीं है ना, ये सीधे हाइट पे आ गया तो सी बीच बन नहीं सकता कहीं पे। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये साइड पे भी आया तू? नहीं, ये मुझे अभिषेक लेके आया था, इधर चलो। फर्स्ट टाइम आया ना, ये मुझे एक दिन अभिषेक लेके आया था, देखो देखो क्या रहेगा। सबमरीन से बने हैं। ड्रेक्स आइलैंड, ये अच्छा, ये सबमरीन ऐसे वाले बड़ा वाला नहीं है, अभी रेस्टोरेंट से है ना, नहीं ओपन एरिया बना। वहां से हम गए घर, फिर वहां से हम रात को निकले, ये पूरा चीज देखा, फिर गए घर। ये देखो भाई, अभी दिन ही है, वाइड एंगल किया हुआ इसलिए, ये देखो वाइड एंगल क्या हुआ इसलिए डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि सूरज उल्टी दिशा में है। बाकी ये देखो अभी 8:30 बज गए हैं और दिन है, और ये भी नहीं है कि दिन है तो लोग ज़्यादा देर तक रुकते होंगे ना भाई। दिन हो चाहे इनका रात हो 11 बजे, चाहे रात हो 4 बजे, इन्होंने 6-7 बजे तक ये खाली हो जाता है। कुछ दिन तक तो था, अभी वो भी खाली है, देख लो सब खाली हो गए।
ये दो चार बंदे जो हैं सो हैं, बाकी सब खाली। सिटी सेंटर पे भी था ना, तो सिटी सेंटर भी खाली, कुछ नहीं है उधर। सब रेस्टोरेंट्स भी कुछ बंद हो गए आज तो, और बाकी तो दुकानें बंद होगी, ग्रोसरीज की भी जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो बंद होगी, है ना, सब कुछ बंद हो गया। पता नहीं ऐसा क्या हो गया भाई, धूप देखो तुम, रात तक खोल के रखो क्या सीन है। पर इधर रात तक खोल के फ़ायदा होनी ना, क्योंकि बंदे नहीं लेने आते तो फ़ायदा क्या फिर रोक के। और अभी तो 8:30 हुए, धूप देखो कितनी मस्त निकली है।